देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। मारपीट करने वाले आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर जिले के अंतर्गत चौकी फगुरम का मामला है, जहां अपराधी मंगलदास महंत पिता ननकी दास महंत उम्र 60 वर्ष साकिन ग्राम अंजोर पाली ने फगुरम चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 मई 2020 के सुबह तकरीबन 10 बजे जब मंगलदास आर के एम प्लांट के मेस में खाना बना रहा था, तभी अजीज खान अपने दो साथियों देवेश साहू और किशन रोतिया के साथ गेट से जबरदस्ती घुसकर मेज के अंदर आ गया और खाना मांगने लगा तथा दारू पीने के लिए पैसे मांगने लगा। मंगलदास द्वारा पैसा ना होना बताने पर उनके द्वारा माँ बहन की अश्लील गाली गलौज किया गया और फिर घसीटते हुए मेज के बाहर ले जाकर हाथ मुक्का लात से मारपीट किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। मंगलदास के लिखित रिपोर्ट पर आरोपी देवेश कुमार साहू पिता खुशी राम साहू उम्र 24 साकिन दुर्कोट एवं किशन कुमार रौतिया पिता पंचराम रौतिया उम्र 28 साकिन उच्च पिड्डा व अजीज खान के विरुद्ध धारा 294 323 506 451 327 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस मामले में दो आरोपी देवेश कुमार साहू पिता खुशीराम साहू एवं किशन कुमार रौतिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि तीसरे फरार आरोपी अजीज खान की तलाश की जा रही है। चौकी फगुरम का है, प्रार्थी मंगलदास महंत पिता ननकी दास महंत उम्र 60 वर्ष ग्राम अंजूर पाली चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 23/5/21 के सुबह करीबन 10 बजे जब यह आरकेएम पावर प्लांट में खाना बना रहा था, उसी समय आरोपी अजीज खान अपने दो साथी देवेश साहू और किशन रौतिया के साथ गेट अंदर घुसकर इससे खाना मांगा और दारू पीने के लिए पैसा मांगा। प्रार्थी ने जब पैसा नहीं होना बताया तो उसके साथ गंदी गंदी गाली गलौज कर मारपीट किया, मेज से बाहर निकाल कर घसीट के उसके साथ मारपीट किया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर चौकी फगुरम में अपराध क्रमांक 212/21 धारा 294 323 506 441 327 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। उनके निर्देश पर तत्काल गिरफ्तारी के आदेश प्राप्त होने पर आरोपी देवेश कुमार साहू पिता खुशी राम साहू उम्र 24 वर्ष साकिन दुर्कोट और दूसरा किशन कुमार रौतिया पिता पंचराम रौतिया उम्र 28 वर्ष साकिन उच्च पिंडा को दिनांक 23/5/21 के क्रमशः 20:30 बजे 20:40 बजे गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तीसरा आरोपी अजीज खान अभी फरार है, उनकी पता साझी किया जा रहा है।